guys. हेलो जय, हेलो अमृत, गुड इवनिंग अमृत, हेलो। सो गाइस, मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो जल्दी से ओके बोल दीजिए ताकि हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। सो गाइस, दिस इज अ जनरल साइंस पीवाईक्यू सेक्शन। आई एम डॉक्टर निभा जादौन। तो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं जनरल साइंस का पीवाईक्यू सीरीज, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अनअकैडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव रेलवे, सो वेलकम ऑल। हेलो जय, अमृत, सुवर्णा, हेलो, हाय, हेलो स्नेहा, गणेश, रिया, हाय, हेलो जीतू, गुड इवनिंग, मनोज, गुड इवनिंग, हेलो, गुड इवनिंग मेघा, हाय, हेलो शिल्पी, हाय। सो गाइस, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो ताकि मैं अपना क्लास को आगे बढ़ाऊं आप लोगों के साथ। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर। जितने लोग हमारे साथ लाइव हैं उतने लाइक्स नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले तो लाइक्स कर दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेलो रिया, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो कंचन, हाय, सश्मिता, हेलो, नमस्ते, नमस्ते एम्ब्रोज, हेलो, नमस्ते, हाय मोबीट्रिक्स, हाय। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, बट उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंडर दूंगी आपको हमारे अन अकेडमी पर जो मॉक टेस्ट सीरीज और जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग इसको मिस नहीं करें। सो गाइस, 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, फ्री मॉक टेस्ट सभी के लिए है, ठीक है। हेलो नारायण, गुड इवनिंग। मॉक टेस्ट सेकंड 14 नवंबर को है, ठीक है। मॉक टेस्ट थर्ड आपको 21 नवंबर मिल रहा है और मॉक टेस्ट फोर जो है वो 28 नवंबर को मिल रहा है। इसके बाद गाइस, आप लोगों के लिए एक और बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है कि आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर किया है अन अकेडमी पर। तो 9 नवंबर से 25 नवंबर तक ये सीरीज चलेगा, ठीक है। हाँ सुवर्णा, हम भी अच्छे हैं, बढ़िया है। 9 लेसन और 9 टेस्ट सीरीज है इसके अंदर। तो आपको ये जो सीरीज है 9 नवंबर से 25 नवंबर तक मॉक टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में करना है, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी जीएस बाय शेफाली राठौर एंड मैथ्स बाय विकास कुमार पाठक एंड रीजनिंग बाय धनंजय प्रताप सिंह। तो ये तीनों एजुकेटर आपको बहुत ही टॉप एजुकेटर्स हैं। देन मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इनको जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री है आपके लिए ये सीरीज, तो प्लीज ज्वाइन इट। सो गाइस, यदि आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है, हेलो दुर्गेश, हेलो विकास, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। मेरे प्लस कोर्सेज की टाइमिंग है रात के 8:30 से 9:30 और शाम के 6 से 7। यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी का फुल लेंथ थ्योरी कोर्स कर रहे हैं और जनरल साइंस का एमसीक्यू सेक्शन सीरीज चल रहा है मेरा। तो ये दोनों प्लस कोर्सेस आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। गुड इवनिंग सुरेश, हेलो। अन अकेडमी पर मेरा डेली क्लास 4:30 PM होता है। ये गाइस, जैसे आप यूट्यूब पर मुझे ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल ये फ्री क्लास है। तो बस अन अकेडमी डाउनलोड करना है आपको, लॉग इन करना है आईडी से और मेरी क्लास मुझे फॉलो करना है। डॉक्टर निभा जादौन के नाम से मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहां पर आपको फ्री क्लास ऑप्शन आएगा, आप मेरा ये स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं डेली। हेलो शिव, गुड इवनिंग, हाय, हेलो खुशबू, हेलो राकेश। गाइस, 7:30 बजे मेरा यूट्यूब क्लास। देखो, स्टार्टिंग रिमाइंडर हम इसलिए देते हैं ताकि बहुत से स्टूडेंट नए ज्वाइन होते हैं, उनको इस सीरीज के बारे में, इनके बारे में पता नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सो अन अकेडमी लाइव रेलवे चैनल का नाम है हमारे। यहाँ मेरी क्लास डेली आपको 7:30 बजे मिलती है, तो आप 7:30 पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो डीएल स्टडीज, हाय। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर। देखो, लाइक तो करते हो आप, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप लोगों पर, बट शेयर नहीं करते हैं। हाँ, तो प्लीज सेशन को इतना तो शेयर करो ताकि और लोग हमें ज्वाइन कर पाए। सो गाइस, प्लीज शेयर दिस सेशन नाउ। क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है? क्लास का पीडीएफ पाने के लिए हमारे अन अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो अन अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और यहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ को गेन कीजिए। तो हर यूट्यूब क्लास जो अन अकेडमी की तरफ से होती है, उसका पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। ओके शुभम, आपका फर्स्ट क्लास है। डीएल स्टडीज लिंक तो मैंने ग्रुप पर डाला था। क्वेश्चन नंबर 1,
न्यूक्लियॉन वह नाम है जिस जो किसके लिए नियोजित होता है, मतलब न्यूक्लियॉन इज द नेम विच इज एम्प्लॉयड फॉर। तो आपको बताना है न्यूक्लियॉन इनमें से क्या है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, या नन ऑफ दीज। हेलो शिवानी, हाँ कहाँ थी आप। चलो शिवानी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, जल्दी से बताएंगे न्यूक्लियॉन क्या होता है। राधेश्याम जी आंसर सबसे पहले आया। रिया, दुर्गेश, ओके, जीतू, जीतू क्या हो गया, बी बी आंसर आया आपका। रिया आपने आंसर दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हेलो कृष्णा, हेलो कृष्ण विवेक, हेलो, वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, उसी को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। तो कभी भी पूछे न्यूक्लियॉन क्या होता है, कई बार आपको इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियॉन दे देते कि न्यूक्लियॉन का नंबर इतना है। तो अब स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि न्यूक्लियॉन होता क्या है। यानी कि अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में आपको न्यूक्लियॉन का नंबर दे दिया, इसका मतलब है उन्होंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए आपको बताना है इन्वेंटर ऑफ द अटोमिक थ्योरी, अटोमिक थ्योरी किसने दिया। रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, जॉन डाल्टन ने, या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्वेंटर ऑफ द अटोमिक थ्योरी, आपको बताना है कि अटोमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया है। सेशन को लाइक करते जाइए, जो लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सेशन को ना लाइक भी करते जाओ। इंद्रपाल आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, ओके। विपुल, रिया, अभिनेंद्र, अभिनेंद्र क्या हुआ आपको। सुवर्णा, राइट आंसर बिल्कुल सही है, जॉन डाल्टन ने दिया था अटोमिक थ्योरी, बिल्कुल सही है। डीएल स्टडीज आपका आंसर बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही है। सी, योगा इन कल्चरल वर्ल्ड, हेलो, बिल्कुल सही। कृष्णा सी दिए हैं, बिल्कुल सही है। शिव कुमार आपने सी दिया है, बिल्कुल सही है। आपको बताना है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या में क्या आता है। मास नंबर ऑफ एन एटम इज, व्हाट इज द मास नंबर। मास नंबर ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियॉन इन अ न्यूक्लियस, प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, या नन ऑफ दीज। मतलब न्यूक्लियॉन का नंबर मास नंबर कहलाएगा, प्रोटॉन का नंबर मास नंबर कहलाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर मास नंबर कहलाएगा। इंद्रपाल, अब आपने, अब मुझे दिखा है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, और सबसे पहले आंसर दिया है, देन डीएल स्टडीज ने आंसर दिया, उसके बाद रिया ने आंसर कराया हमारे लिए। वेरी गुड गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग इसमें ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, वो गलत है। देखो मास नंबर की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर आता है, किसका नंबर आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। और आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियन आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन न्यूक्लियस, केंद्रक में या नाभिक में न्यूक्लियॉन का जो नंबर होता है वही तो मास नंबर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत से लोग ऐसे हैं सेशन को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, प्लीज गाइस सेशन को लाइक कर दो, क्वेश्चन तो हम आपको करा ही रहे हैं, सेशन को लाइक भी करते चलिए। आपको बता रहे पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है। हेलो सर्वेश, हाय सर्वे, सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो। यूरेनियम, कार्बन, परमाणु घड़ी, या जैव घड़ी। मेघा, राइट आंसर ए आया आपका, शिव ए आ रहा है। पृथ्वी की आयु पूछ रहे हैं, फॉसिल की नहीं पूछ रहे। सोच समझ के सभी लोग आंसर करेंगे। दुर्गेश, इंद्रपाल आंसर ए आया है, यूरेनियम डेटिंग, वेरी गुड। गाइस देखो इसमें आपसे पृथ्वी की आयु पूछी है तो यूरेनियम डेटिंग इज द राइट आंसर, बिल्कुल। गौरव, ए आंसर डीएल स्टडीज, बेटा कार्बन डेटिंग जो होता है ना वो फॉसिल के लिए होता है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूरेनियम डेटिंग। जब भी पृथ्वी की आयु पूछ रहे हैं ना, या आपका एज ऑफ अर्थ पूछे हैं, तो आपको यूरेनियम डेटिंग लगाना है। कार्बन डेटिंग जब भी पूछते हैं तो फॉसिल्स की, ठीक है।
फॉसिल्स की स्टडी होती है या फॉसिल्स की जो एज है वो पता करने के लिए कर दिया है। ठीक है, ओके। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इनिशिएट द एशियाटिक लॉयन सेंसस इन मई 2020। व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ एशियाटिक लॉयन? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने मई 2020 में एशियाई शेरों की जनगणना शुरू करने के लिए स्टार्ट किया था। आपको बताना है एशियाई शेरों की आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्टेटस क्या है? वो लुप्त प्राय है यानी एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वनरेबल है या नियर थ्रेटेंड है? हेलो रितु, हाय, प्रणाम। आपसे पूछ रहे हैं हमारे यहाँ एशियाटिक लॉयन का स्टेटस आईयूसीएन का क्या कहता है। गौरव आंसर किया है सबसे पहले ए ऑप्शन के साथ। इंद्रपाल आपने आंसर किया है ए। सर्वेश वेरी गुड, ए बिल्कुल सही दे रहे हैं। कल्पना वेरी गुड बेटा। शिवानी बिल्कुल सही आंसर दिया है। हेलो रेखा, हाय। जीतू ए ऑप्शन के साथ, डीएल स्टडीज बेटा, वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंडेंजर्ड है। याद रखेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, पूरी तरह खतरे में है। ठीक है, तो ये एंडेंजर्स यानी लुप्त प्राय है कि लुप्त हो जाएगी, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो लुप्त हो सकती है। ठीक है, तो एशियाटिक लॉयन याद रखेंगे एंडेंजर्ड है। सो राइट आंसर इज एंडेंजर्ड। एशियाटिक लॉयन आर लिस्टेड एज ए एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय आईयूसीएन। और आपको पता है आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल, हेलो दिलीप नमस्ते, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, आईयूसीएन के द्वारा ये लिस्टेड हुआ है। और आपको बता दें कि यहां पर लॉयंस अमंग फॉलोइंग आर द फाइव पैंथेरियन कैट्स लिविंग इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पैंथेरा फाइलम का जो, सॉरी, पैंथेरा जो क्लास है लॉयन का, उसकी पांच स्पीशीज हमारे यहाँ है। ठीक है, जिसमें बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड आता है। ठीक है, जिसमें कि बंगाल टाइगर आपको पता ही है हमारा स्टेट एनिमल है, और सॉरी सॉरी हमारा नेशनल एनिमल में आता है। ठीक है, बंगाल टाइगर। एंड यहाँ पर आपको एक क्लाउडेड लेपर्ड दिया है। गाइस पूछते हैं ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? ये मेघालय का स्टेट एनिमल है। मेघालय, ये मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, गुड इवनिंग राकेश, हेलो, याद रखेंगे। नेक्स्ट सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर करो। चलिए आपको बताना है विच स्टेट विल हैव द कंट्रीज फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टिल, ताजे पानी के कछुओं के लिए किस राज्य में देश का पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया? हेलो जय, गुड इवनिंग। मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में? भारत का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फ्रेश वाटर टर्टल हेलो अंकित, हाय। विपुल ने आंसर करा है सबसे पहले हमें ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई आंसर करेंगे? फैशनेबल वर्ड वर्ल्ड आप ये बोल रहे नो। मोबाइल ट्रिक्स बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डीएल स्टडीज बिल्कुल सही दिए है। रितु वेरी गुड, रिया बिल्कुल सही दिया। उड़ीसा के साथ जो लोग जा रहे हैं, मेघा, शिवानी बिल्कुल सही है, राकेश बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, उड़ीसा। तो पहला रिहैबिलिटेशन जो सेंटर फ्रेश वाटर टर्टल के लिए खोला गया वो है आपका उड़ीसा। हेलो फैशनेबल वर्ड, हाय, उड़ीसा याद रखें। ठीक है, चलिए शेर पूछ वाले मकाओ, आपको बताना है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वैसे जानवर का नाम है लॉयन टेल्ड मकाओ, ये कहाँ मिलेगा? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, इंडिया का एक एंडेमिक स्पीशीज है भारत की। आपको बताना है कि लॉयन टेल्ड मकाओ कहाँ मिलेगा। सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर करते चलिए, जैसे आंसर करते ना ऐसे ही लाइक एंड शेयर का ऑप्शन भी आता है। ओके, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय या पश्चिम हिमालय में, क्या पूछ रहे हैं? लॉयन टेल्ड मकाओ कहाँ मिलेगा? बी,
राकेश बी, बी के साथ जा रहे हैं मोस्टली लोग। कल्पना, स्नेहा बी, विपुल बी, लीला नीलाद्री बी, फैशनेबल वर्ल्ड बी के साथ, डीएल स्टडीज वेरी गुड बी, सूरज बी, ओके दुर्गेश बी के साथ, ओमवीर आप भी बी के साथ, संजय बी के साथ, सभी लोग बी के साथ, बहुत सही। पश्चिमी घाट में मिलेगा, बिल्कुल सही है। आप लोग वेस्टर्न घाट के साथ जाएंगे, जो लॉइन टेल्ड मकाओ है ये वेस्टर्न घाट में मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट में लेटेस्ट सी ये होता है, लॉइन टेल मकाओ, इसको हम लोग वेंडेरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी है ये, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट का, ठीक है। तो पूर्वी जो सॉरी पश्चिमी घाट का स्थानीय प्रजातित है, ठीक है। शिव शिव आपको दिखा रही हूं मैं, चिंता मत करिए, पिक्चर दिखा रही हूँ डायरेक्ट मकाओ का। सो लॉइन टेल मकाओ रैंक्स अमंग द रेयरेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटन्ड प्राइमेट, ये एक प्राइमेट है और मोस्ट रेयरेस्ट है, मतलब रेयर में भी रेयर स्पीशीज है मकाओ की। ये हमारे इंडिया के सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए देखा आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये। काफी डरावना तो है, सही कहा आपने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, किसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं? ओजोन को, बेंजीन को, सल्फर डाइऑक्साइड को, या कार्बन मोनोऑक्साइड को? आपको बताना है किसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। कई बार ये एनवायरनमेंट साइंस में ये क्वेश्चन एनटीपीसी जो जेई का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, तो याद रखेंगे जरा इस तरह के क्वेश्चंस को। सी सी सी, क्या बात है, ट्रेन के डिब्बे बन गए सभी लोग, वाह क्या बात है। सी कैसे कह सकते हैं आप कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, किस बेस पर कह रहे हैं कि सी है? सभी लोग गलत है, बिल्कुल सब गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओजोन इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग आप सब। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब सुनिए कैसे है। सबसे पहले तो यहां पूछा गया था सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, देखो भाई द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्ट एमिट नहीं होते, जैसे कार के धुएं से डायरेक्ट क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, जो डायरेक्ट नहीं निकलते, किसी पॉल्यूटेंट के साथ मिक्स होकर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो बेंजीन डायरेक्ट रिलीज होती है फैक्ट्रीज से, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट आपके थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल से निकलती है, ये डायरेक्ट एटमोसफियर में जाती है ऑटोमोबाइल, ठीक है। ये आपकी कहां से निकलती है, जो आपके थर्मल पावर प्लांट है वहां से निकलता है, डायरेक्ट आ रहा है एटमोसफियर में। बेंजीन केमिकल इंडस्ट्री से रिलीज होता है, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री से। लेकिन ओजोन, ओजोन कैसे होती है? ओजोन आपको पता है ये हमेशा कैसे बनती है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, फोटोन की रिएक्शन होती है, एच न्यू, फोटोन की रिएक्शन से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन एटम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, ये एटम बन गए ऑक्सीजन के। अब आपको पता है कि वहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस एटम के साथ जब मिलता है तो क्या बनाता है, O3 बनाता है। यानी कि एक दो चीजों के मिलने से ओजोन बन रही है, इसे हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट उनको कहते हैं जो किसी के साथ मिलकर फिर बनते हैं, डायरेक्ट अगर किसी सोर्स से निकल रहे हैं उन्हें हम प्राइमरी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, ये आपके प्राइमरी सोर्स होते हैं, यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं प्रदूषक के। ओजोन हो गया, दूसरा एक और बता देती हूँ मैं आपको, कभी एग्जाम में या तो ओजोन आएगा द्वितीयक में या सेकेंडरी में, या फिर आपको मिलेगा पैन, PAN, पैन लिखा होगा, या फिर आपको मिलेगा स्मॉग, स्मॉग। अब स्मॉग क्या होता है बेटा, स्मोक यानी धुआं, धुआं मतलब स्मोक, और फॉग मतलब जो कोहरा, फॉग और स्मोक मिलकर जब बनाते हैं तो स्मोक बनाते हैं, ये सेकेंडरी हो गया आपका। इतनी बात समझ में आ गई? पेन, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल, तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्राइल जो होता है ये भी क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो हमेशा याद रखो ये क्वेश्चन कई बार एनवायरमेंट साइंस जिस एग्जाम में अगर इंक्लूड है तो ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। चलिए
भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके पास सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र है? वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। पूछ रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा इनमें से किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटका में? सेशन को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, जो लोग भूल गए हैं सेशन को लाइक एंड शेयर करना। सयक घोष, आपका आंसर आया सी। इशिता, रिया, डीएल स्टडीज, ए, बिल्कुल नहीं बेटा। जीतू बिल्कुल सही है। विवेक बिल्कुल सही। सर्वेश, यस। नीलाद्री बिल्कुल सही। दुर्गेश, स्नेहा, सबके नाम लू? ओके, राइट आंसर एमपी, मध्य प्रदेश। हाँ, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये तो पूरा टाइगर स्टेट कहलाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस डेट को विश्व जल दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। तो आपको बता रहा है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड वाटर डे ओमवीर सी के साथ जा रहे हैं, 22 मार्च। सायक बिल्कुल सही। डीएल स्टडीज वेरी गुड। रिया, ज्योति बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 22 मार्च को ही मनाते हैं। दुर्गेश, विपुल, ओके। इशिता, रितु, स्नेहा, वेरी गुड। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो आपको बस याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे का इस बार का थीम। तो इस बार का थीम रहा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो याद रखेंगे वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, इस बार का थीम रहा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आपको थीम इसलिए याद रखना है क्योंकि थीम बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें आया था डीएल स्टडीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो क्योंकि जो डेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में उसके साथ अगर थीम जुड़ जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में एक बाघ अभयारण्य है, मतलब एक टाइगर रिजर्व है, और साथ में वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी विश्व धरोहर स्थल भी है? क्या पूछ रहे हैं? भारत के किस स्टेट में एक टाइगर रिजर्व है और साथ में वो एक विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? राजस्थान में, आसाम में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड अ टाइगर रिजर्व विच इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? गाइस, भोपाल, मेरा मतलब है एमपी में जितने भी टाइगर रिजर्व है उनमें कोई भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं। बी किसने दिया? ज्योति, वेरी गुड। हेलो शिवानी बेटा, मैं क्यों बात नहीं कर रही आपसे? बी मुझे ज्योति ने आंसर किया, बी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ज्योति, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक कहा आपने कि संजय गांधी नेशनल पार्क है, लेकिन वो टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है बेटा। आपको ये देखना है कि कौन टाइगर रिजर्व भी है और हेरिटेज साइट। ज्योति, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बी शिवानी, आपने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी। सो आसाम का मानस, तो याद रखेंगे ये जो मानस है ना, मानस आसाम का, ये एक टाइगर रिजर्व भी है बहुत बड़ा और साथ में एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। साथी बिल्कुल सही आंसर दिए, बी। असम वाले बिल्कुल सही है। रेखा बिल्कुल सही है। ओमवीर बिल्कुल सही। सो गाइस, अब याद रखना मध्य प्रदेश में मानते हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है क्योंकि वो टाइगर स्टेट है, लेकिन उनमें से एक भी टाइगर रिजर्व विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं नाम आया है अभी तक। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि असम का जो मानस है, मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये एक विश्व धरोहर स्थल है और साथ में एक क्या है आपका, हेरिटेज साइट भी है। किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं? आपको बताना है कि टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर को कहते हैं? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को या लखनऊ को?
डीएल स्टडीज ए मैसूर को कभी सुने नहीं है लगता आप में से किसी ने भी। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया नाम नहीं सुना है आई थिंक। नागपुर को कहते हैं गाइस, नागपुर को कहा जाता है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत कम लोगों को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉट अ सी नॉट अ ई, ना तो ए और ना तो सी। आपका राइट आंसर यहां पर है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी नागपुर। नागपुर को कहते हैं टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया क्योंकि सबसे, बताए क्यों कहते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व की जो एंट्री है या जो पाथवे है, रास्ते हैं, वो सबसे ज्यादा नागपुर से होकर गुजरते हैं, इसीलिए इसे टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, सो अब याद रखेंगे टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया इज नागपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रेडियोधर्मी परमाणु जो कचरा होता है उसकी डंपिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? इंद्रपाल, इंद्रपाल जी आपको मैं पहले तो एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये साइंस के ही क्वेश्चन है। आपने शायद एनटीपीसी का सिलेबस नहीं देखा, उसमें एनवायरमेंट साइंस इंक्लूड है और जहां एनवायरमेंटल साइंस आ रहा है ना वहां पर यही क्वेश्चंस आते हैं। और जनरल साइंस उठाओगे ना एनटीपीसी की तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और साथ में एनवायरमेंट साइंस इंक्लूड है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग प्लेसेस इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर जो परमाणु कचरा होता है, रेडियोधर्मी कचरा होता है, उसको डंप करने के लिए सबसे अच्छा साइट क्या होता है? नमक की खाने, कोयला की खदाने, ताजा बर्फ के नीचे। उनको देखो गाइस, जो रेडियोधर्मी वेस्टेज होता है उसको अगर आप ऐसे खुले में कचड़े को डाल देंगे तो रेडिएशन निकलेंगे, रेडिएशन निकलेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, पूरा अनुवांशिकता आपकी पूरी क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, आपके जीन में समा जाएंगे। इसलिए हमेशा रेडियो एक्टिव मटीरियल यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले कचड़े को सॉल्ट माइन में दबाते हैं। बिल्कुल सही, सो राइट आंसर यस। ठीक है, सॉल्ट माइन के अंदर इसमें इंक्लूड करते हैं यानी नमक की खानों में बताते हैं। ठीक है, आपको बताना है नीला कुरंजी जो नीला फूल होता है वो 12 वर्ष के बाद एक बार खिलता है, यानी 12 साल में एक बार खिलता है। नीला कुरंजी नाम है उस फ्लावर का, नीले रंग का फ्लावर होता है। आपको बताना है ये इंडिया में कहाँ मिलेगा, और पूरे वर्ल्ड में एकमात्र इंडिया में ये जगह है जहां ये मिलता है, पूरे वर्ल्ड फेमस है कि सिर्फ इंडिया में मिलता है और 12 साल में एक बार खिलता है। पश्चिमी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में या अंडमान और निकोबार में? पूछ रहे हैं आपसे गाइस। सेशन को बहुत से लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं सेशन को और लाइक करना भूल गए, प्लीज लाइक द सेशन फर्स्ट। बिल्कुल सही आंसर दिए इंद्रपाल जी आप, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल सी आंसर मेरे पास अभी किसी का भी नहीं आ पा रहा है, इंद्रपाल का आंसर आया था। संजय बिल्कुल सही आंसर दिया अब आपने। नीला कुरंजी नीले रंग का फूल होता है जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में, वो भी आपको इंडिया में 12 साल बाद मिलेगा। और अब आप इसको पता है कितने साल बाद देखेंगे, ये 2018 में खिला था, इसकी एग्जीबिशन लगाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट ने, तो अब ये आपको 2030 में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? केरला में। लेट अस सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट में मिलता है ये। ठीक है, लुक एट दिस, इस तरह का फ्लावर होता है लेकिन जब ये एक साथ खिलते हैं तो ये व्यू बनता है, ब्लू व्यू बन जाता है, पूरी वैली आपको ब्लू नजर आने लगती है, पर्पल ब्लू कलर का होता है। इरेविकुलम नेशनल पार्क केरला का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर ये खिलते हैं। ठीक है, 12 साल में एक बार, वंस अगेन इन अपेयरिंग इन एराविकुलम नेशनल पार्क साउथ इंडिया केरला स्टेट ओनली प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ केरला ही एक ऐसी जगह है जहां पर ये खिलते हैं। ठीक है, हाँ चेतन बिल्कुल, फोटो जरूर दिखाएंगे, 2030 में देखना है, अगर ओरिजिनली देखना है तो एराविकुलम नेशनल पार्क में 2030 में पहुंच जाना, जरूर दिख जाएगा आपको। चलिए यस, पूरी वैली ब्लू दिखाई देती है, उस समय पूरा नेशनल पार्क ब्लू दिखाई देता है, बहुत मतलब इसकी खूबसूरती सच में बहुत कहना चाहिए एकदम यूनिक है। आपको बताना है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों? व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो धातुएं क्यों होती हैं
विद्युत की सुचालक, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण एटम्स उसमें टाइटली पैक होते हैं, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है, या सभी बातें ठीक लग रही हैं? इंद्रपाल, आंसर सबसे पहले आया ए। हेलो वर्मा जी, राम राम, हेलो, कैसे हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सभी लोग बिल्कुल सही हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है मेटल्स में, ठीक है? तो ये मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो विद्युत की सुचालक होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दो। आपको बताना है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वेव्स, सभी तरंगों की मूलभूत विशेषता क्या होती है? उनकी तरंग दैर्ध्य, उनकी आवृत्ति, उनका वेग, या सभी बातें ठीक है? सेशन को जो लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करो। आपसे पूछ रहे हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक वेव्स की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य, उसकी आवृत्ति, उसका वेग, या फिर सभी? डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही इंद्रपाल, आंसर बिल्कुल सही है, सयक आंसर बहुत अच्छा है। रिया बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, जीतू बिल्कुल सही आंसर है, ज्योति वेरी गुड, विवेक ठाकुर बिल्कुल सही आंसर है आपका, सुरेश, रिया, रिया क्या हो गया तुम्हें, यस, नीलाद्री बिल्कुल सही आंसर है, पिंटू आपका आंसर डी है, मुर्तजा अली आप बी दे रहे हैं बट नॉट अ बी इज अ राइट आंसर, इशिता राइट। गाइस देखो वीक वाज न्यू लैम्डा, ठीक है लैम्डा, सो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य, उसकी आवृत्ति यानी उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड उसका वेलोसिटी, तीनों ही क्या होती हैं, किसी भी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती हैं। क्लियर? डियर स्टडीज, आफ्टर दिवाली कोशिश करते हैं कि सेशन को पूरा 1 घंटे कर दे, ठीक है? चलिए आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, आपसे पूछ रहे हैं ग्लास प्रिज्म की सामग्री का अपवर्तक सूचकांक किस पर निर्भर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए ग्लास प्रिज्म डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, या साइज ऑफ द प्रिज्म? ग्लास प्रिज्म में आपसे पूछ रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहां पर गाइस जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। गाइस कलर ऑफ द इंसिडेंट रे पर डिपेंड करता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत से लोग इसमें आंसर ए और डी के साथ जा रहे हैं, डी तो फिलहाल साइज ऑफ प्रिज्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बट हाँ यहां पर जो कलर ऑफ इंसिडेंट रे है इट इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, सो प्लीज रीचेक योर आंसर, ठीक है? प्रकाश की जो किरण है उसका जो रंग है वो डिपेंड करता है उसके अपवर्तक सूचकांक के लिए। रेखा तिवारी बिल्कुल सही आंसर है, संजय राइट, मेघा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सो यहां पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गुड इवनिंग अननोन, हेलो। रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताजा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कौन सा है? सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर, आपको अगर रेफ्रिजरेटर में खाने को एकदम ताजा रखना है तो किस टेम्परेचर पर उसको रखना चाहिए? जो लोग सेशन को अभी तक लाइक नहीं करे वो जल्दी से सेशन को लाइक करिए गाइस, प्लीज लाइक द सेशन फर्स्ट। 4 डिग्री, 8 डिग्री, इंद्रपाल आंसर सबसे जल्दी से देते हैं, वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री पर, यस जीतू आंसर सही है, संजय बिल्कुल सही आंसर है, रिया वेरी गुड, विवेक सही है बिल्कुल, जितेंद्र डीएल स्टडीज आपने पहले शायद ए दिया था, डीएल न्यू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर रखेंगे तो आपका जो फूड है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहेगा यानी ताजा रहता है, ठीक है? सर्वेश आंसर बिल्कुल सही है, अननोन पर्सन राइट, वर्मा जी बिल्कुल सही है, आपको बताना है बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड, आपको बताना है किस बायोटेक्निक में अल्ट्रासाउंड यूज होता है,
सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे? जल्दी से बताएंगे गाइस। सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे। इस क्लास के बाद भी आप सेशन को अगर शेयर करते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे साथ लोग और कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्लास के बाद भी आप सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करा करो। बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड, तो अल्ट्रासोनिक इज अ सोनोग्राफी। यस राइट आंसर है सोनोग्राफी। यस ठीक है। सोनोग्राफी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है आप लोग। ठीक है सुजीत आंसर सही दिए, इंद्रपाल बिल्कुल सही, इशिता वेरी गुड बिल्कुल सही, वर्मा जी बिल्कुल सही, दुर्गेश, नीलांद्री, अंकित ए बिल्कुल सही है, जीतू बिल्कुल सही। गाइस देखो सोनोग्राफी में हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं। एंड ईसीजी क्या होता है गाइस? ईसीजी किसका करते हैं? हार्ट का। ईसीजी किसका होता है? हार्ट का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईईजी किसका होता है? ब्रेन का होता है ना। ईईजी में क्या होता है? ब्रेन, इलेक्ट्रो एनसेफलोनग्राम, क्योंकि हम लोग ब्रेन को एनसेफलोन वर्ड यूज करते हैं साइंटिफिकली, तो इलेक्ट्रो एनसेफलोनग्राम कहते हैं। एक्सरे आपको पता ही है, एक्सरे करते हैं, जैसे बोन का एक्सरे हो गया, ठीक है, किसी भी ऑर्गन का क्या करते हैं? एक्सरेज करते हैं, एक्सरे करते हैं। तो ईजी ईसीजी हार्ट और ब्रेन से संबंधित है, लेकिन सोनोग्राफी में हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। शिव आपको दोबारा से फ्लावर का पिक देखना है। सो चलो गाइस आज का सेशन यहीं पर हम खत्म करते हैं। ठीक है इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको कल मिलेगा 7:30 बजे। ठीक है तो मुझे प्लीज कल फिर से ज्वाइन कीजिएगा 7:30 बजे न्यू एमसीक्यू सेक्शन के साथ, और सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सो टिल देन गाइस टेक केयर एंड बी सेफ। सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड नाइट। सैयद घोष मेरा जो प्लस का क्लास है आप मुझे शाम के 6 बजे अनअकैडमी पर प्लस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सो शाम के 6 बजे, और अभी 8:30 बजे भी मेरा प्लस क्लास है, तो आप मुझे रात के 8:30 भी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर।